हे गाइस, दिस इज कुलदीप एंड यू आर वाचिंग स्टडी सेंटर। आज के सिलेक्शन में हम बात करेंगे पाकिस्तान की, बिकॉज पाकिस्तान ने अपना नया मैप रिलीज कर दिया है और इस नए मैप ने पाकिस्तान ने JNK और जूनागढ़ और JNK जो इंडिया के जो दो रीजन है उनको अपने नए मैप में शो किया है। सो रिसेंटली जो पाकिस्तान अपना रिलीज, उसमें जम्मू और कश्मीर का एरिया और कुछ लद्दाख का एरिया और जो सरक्रीक एंड जूनागढ़ का जो एरिया उसने अपने नए मैप में शो किया। और दिस ये मैप ना फर्स्ट एनिवर्सरी जो हमारे जो 370 हमने हटाया था जम्मू कश्मीर से, उससे एनिवर्सरी है, उससे एक दिन पहले उसने शो किया है। सो इस मैप में, इस इमेज में आपको पता चलेगा इसके नए और पुराने मैप को कंपेयर करते हैं। ये उसका पुराना मैप है, उस पुराने मैप को इसमें ये जो बाउंड्री ना उसको डॉटेड लाइन से उसने शो किया, इसमें से सो यहाँ तक इसका एरिया था। लेकिन इस नए मैप ने उसने ये जो यहाँ तक था उसने इसको एरिया को ये वाला कवर करके जम्मू कश्मीर और थोड़ा लद्दाख के एरिया को कवर किया, इसमें सियाचिन वाला एरिया भी है। सो इसको एरिया को कवर भी किया और प्लस उसको डॉटेड लाइन से भी शो नहीं किया है। सो डॉटेड लाइन का मीन्स होता है कि वो डिस्प्यूटेड एरिया है। सो इसमें उसने इस नए मैप में इसको डिस्प्यूटेड एरिया भी शो नहीं किया। और देन जूनागढ़ वाला एरिया, ये गुजरात का जो एरिया है उसमें जो ये एरिया है ये जूनागढ़ के एरिया है। सो ये जो चीज़ें ऐसे टाइम पर की जा रही हैं जहाँ पूरा वर्ल्ड, जो कि वैन द होल वर्ल्ड इज फाइटिंग अगेंस्ट द डेडली वायरस बट आर नेवर्स आर इन ए रेस टू ऑक्यूपाई आर टेरिटरीज। सो जब इंडिया 5 अगस्त, जो कि जिस दिन JNK स्पेशल स्टेटस हमने हटाया था, उसको सेलिब्रेट करने वाले थे, उससे एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने अपना नया मैप रिलीज कर दिया। एंड दिस इज द सेकेंड सच मैप रिवाइजिंग टेरिटोरियल क्लेम्स इन साउथ एशियन रीजन, बिकॉज इससे पहले अपना जो प्यारा नेबर कंट्री था नेपाल, उसने भी अपना नया पॉलिटिकल मैप पेंट किया एंड शोइंग कालापन रीजन ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट एज द पार्ट ऑफ इट्स सोवरेन टेरिटरी। सो और ये दूसरा मैप है जो जूनागढ़ का, उसमें जो जूनागढ़ वाला एरिया पाकिस्तान अपना दिया है, दिस इज द पाकिस्तान, दिस इज जूनागढ़ एंड मनोदर एरिया। सो इस वाले एरिया को पाकिस्तान अपना दिखाया है, जो कि हिस्टोरिकली थोड़ा उसमें कनेक्शन लिंक थे, लेकिन अब जो उसने है उसके अकॉर्डिंग ये मैप गलत है। उसने इस मैप के अकॉर्डिंग क्लेम किया है कि सियाचिन वाला एरिया, देन रीजन ऑफ सरक्रीक, देन अस्टवाल स्टेट जो कि जूनागढ़ का एरिया, इन एरिया को अपने नए मैप में दिखाया है जो पाकिस्तान की टेरिटरी, इसमें शो किया। एंड इट ऑल्सो रिनेम कश्मीर हाईवे को, उसने कश्मीर हाईवे का नाम चेंज करके श्रीनगर हाईवे बोल दिया है। ये उसने नए मैप के अकॉर्डिंग इसने बोला है। दिस इज नॉट अ फर्स्ट टाइम, बिकॉज इससे पहले हमने बोला कि ये इसका फर्स्ट टाइम नहीं कि इसने ऐसा मैप, बिकॉज दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम पाकिस्तान हैज ट्राई टू पोर्ट्रे जूनागढ़, जो जूनागढ़ वाला एरिया उसने इससे पहले भी ऐसा एक नया मैप निकाल के बोला था, जो उसमें लिखा है कि 2012 एटलस ऑफ पाकिस्तान, 2012 के टाइम पे जो उसने पाकिस्तान का एटलस था उसमें भी इसने जूनागढ़ वाले एरिया को अपनी पाकिस्तान टेरिटरी बताया था। इसके बाद इंडिया का रेस्पॉन्स कैसा था? इंडिया ने पाकिस्तान की बात का बड़े तीखे वर्ड्स का यूज करते हुए इसमें आंसर दिया और बोला कि ये जो सो कॉल्ड न्यू मैप है ना, उसको पहले तो बोला कि ये पॉलिटिकल एब्सर्डिटी है, जो मतलब एक मूर्खता है इन फॉरेन रिलेशन में, और इसको जो भी इन्होंने इलॉजिकल कंटेंशन किया है, जो इलॉजिकल वो पूरा था, उसको ना उन्होंने इंडिया वालों ने बोला है कि ये ना ही लीगल वैलिडिटी है, ना ही ये इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी के लिए है। दिस इज द रेस्पॉन्स ऑफ इंडिया। इससे पहले भी कुछ हुआ है कि इससे पहले लास्ट 1 ईयर जो पाकिस्तान हैज मेड न्यू में, क्योंकि जब से हमने JNK से 370 वाला आर्टिकल उसको हटाया है जो इसका स्पेशल ट्रेस है, तो इससे पहले भी पाकिस्तान ने काफ़ी सारे ऐसे मूव चले हैं कि JNK का जो JNK वाला इशू है इंटरनेशनल फोरम में उसको उठाए, लेकिन वो इस में सक्सेसफुल नहीं था। और पाकिस्तान ने चाइना का साथ देते हुए, जो चाइना जिसको विच इज़ द पाकिस्तान ऑल वेदर अलाई है, उसके साथ भी काफ़ी सारे सेवर अटैम्प ऐसे किए हैं और कश्मीर के इशू को UN में डिस्कस करने या UN सिक्योरिटी काउंसिल में उठाने लेने के लिए रेज करने को बोला है पाकिस्तान के रूप, लेकिन उसमें भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हाउएवर दीज अटेम्प्ट प्रूव फर्टाइल एंड वर रिजेक्टेड बाय मेंबर ऑफ नेशन ऑफ UN। बाकी जो अदर मेंबर थे UN में, उन्होंने इस इशू को उठाने से मना कर दिया और रिजेक्ट कर दिया। इस मूव से कंसर्न क्या है इंडिया के लिए? कंसर्न बिकॉज है काफ़ी सारे, बिकॉज द क्लोजनेस ऑफ नेपाल पाकिस्तान, जो कि चाइना के साथ काफ़ी उनकी क्लोजनेस है,
बिकॉज काफ़ी समय से पाकिस्तान के ऊपर चाइना का इन्फ्लुएंस है और दिन प्रतिदिन ये इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है बिकॉज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है उसकी वजह से और पाकिस्तान की ऑलमोस्ट पूरी इकोनॉमी चाइना पर डिपेंड है। सो चाइना के दिए हुए लोन की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी चाइना पर डिपेंड है एंड सेम थिंग इज हैपनिंग विद नेपाल और यही सेम थिंग नेपाल के साथ भी हो रही है। नेपाल भी चाइना के दिए गए लोन के ऊपर ही अब थोड़ा सर्वाइव कर रहा है। सो जो चाइना के जो लोन्स हैं जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं और बाकी जो इंटरफेयर चल रहा है इंटरनेट जो चाइना जो अब इंटरनेट इंटरनल पॉलिटिक्स में जो इंटरफेयर कर रहा है और ये सब चीज़ें ना पाकिस्तान नेपाल के ऊपर चाइना का इन्फ्लुएंस और ज़्यादा इंक्रीज करती हैं और ये इंटरनेशनल या फॉरेन पॉलिसीज में ये सारी चीज़ें और शो भी होती हैं। जैसे कि लास्ट टाइम या जो नेपाल के टाइम में जो इंटरनल टसल चल रहा था तो कैसे चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो कैसे नेपाल की नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स में कैसे उनका रोल था। सो और इन्हीं चीज़ों की वजह से आज नेपाल इंडिया के अगेंस्ट कमेंट कर रहा है और अपना जो न्यू उसने नया जो नया पॉलिटिकल मैप रिलीज किया था जिसमें इंडिया के कालापानी रीजन को अपना बताया था। सो एक न्यू डिस्प्यूट उससे और खड़ा हो जाता है। सो नाउ द सेम थिंग हैज़ डन बाय पाकिस्तान। सो ऐसी सेम थिंग जो है अब पाकिस्तान कर रहा है। सो ड्यू टू द लोन्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना जो चाइना के जो लोन्स हैं और उससे इन्फ्लुएंस होने की वजह से जिसको हम डेप्ट पॉलिसी बोलते हैं इन सब लोन्स देने की जो लोन्स देने की प्रक्रिया को हम जो डेप्ट डिप्लोमेसी बोलते हैं किसी एक कंट्री दूसरे कंट्री को तो लोन दे रही है और उन लोन को एज ए सॉफ्ट लोन दे रही है और बाद में उसी लोन के जरिए उस कंट्रीज की टेरिटरी कब्जे में लेती है या इंटरनल पॉलिटिक्स को वो इंटरफेयर करते हैं तो उस पॉलिसीज को हम डेप्ट पॉलिसी बोलते हैं। सो चाइना की जो डेप्ट पॉलिसी है चाइना यूज दीज टू थिंग्स या चाइना जो यूज कर रहे हैं चीज़ों की वजह से जो कंट्री हैं जो अभी नेपाल और पाकिस्तान है वो इंडिया के खिलाफ उनको यूज कर रहा है। सो विच इज़ करेंटली हैपन जो अभी चल रहा है एंड सराउंडिंग इंडिया विद इट्स नेबरिंग कंट्री और इंडिया को उन्हीं की नेबरिंग कंट्रीज के साथ उसको इंडिया को कब्जे में या उसके चारों तरफ से घेर रहा है। सो दिस इज चाइनाज प्लान जो चाइना के प्लान है टू टैकल इंडिया विद इट्स ओन नेबर जो इंडिया को उसी के ही नेबर्स के साथ इंडिया को कवर करना या इंडिया को घेरना नेबर्स के साथ टू मेक इनेमी ईच अदर और उनको चाइना के खिलाफ उनको इंडिया के खिलाफ उनका इनेमी बताना है। सो दिस इज द कंसर्न ऑफ द इंडिया ऑफ नेपाल एंड चाइना सॉरी नेपाल एंड पाकिस्तान और रिसेंटली जो चाइना ने अब इंडिया के खिलाफ जो अपना ALAC में जो वो इस डिस्प्यूट खड़ा हो गया जो वेस्टर्न सेक्टर में वो ये भी एक इसका कंसर्न है बिकॉज चाइना इंडिया के साथ इस वे में भी डिस्प्यूट रेज कर रहा है प्लस पाकिस्तान और नेपाल का यूज करके भी। सो इसमें इंडिया कर क्या सकता है। पहले तो जो नेपाल का जो हॉस्टाइल है जो नेपाल का जो अभी रोल चल रहा है जो एक्टिविटी कर रहा है जो हॉस्टाइल प्लस जो श्रीलंका का जो चाइना के खिलाफ जो टिल्टेड चाइना के तरफ टिल्टेड होना और प्लस बांग्लादेश का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो कमेंट करना और प्लस और इसके अलावा जो ईरान का चाबार रेलवे लिंक प्रोजेक्ट से इंडिया को निकालना ये सब चीज़ें शो करती हैं कि इससे इंडिया का जो डेक्लाइन जो रोल है ना इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है इन सब कंट्री में वो डेक्लाइन होता जा रहा है और सो मतलब इंडिया का जो रोल या इंडिया का स्फीयर जो इन्फ्लुएंस इंडिया का इन्फ्लुएंस ऑफ स्फीयर या इंडिया का इन्फ्लुएंस इन सब कंट्री से डेक्लाइन होता जा रहा है और स्पेशली जो नेबरिंग कंट्री है उनके द्वारा। सो दिस डिमांड डीपर एग्जामिनेशन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी जो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी उनको थोड़ा और सोचना पड़ेगा मतलब इंडिया का जो अपनी फॉरेन पॉलिसी के बारे में थोड़ा डीपली एग्जामिन करना पड़ेगा बिकॉज और इंडिया को जो इंडिया की दूसरी जो कंट्री हैं जो या नेबरिंग कंट्री है जो जिनमें प्रोजेक्ट अभी इंडिया के चल रहे हैं उनके जो डिलीट प्रोजेक्ट हैं उनको टाइम पर फिनिश करना होगा जिससे इंडिया की जो इमेज है थोड़ी सुधरे बिकॉज टाइम पर प्रोजेक्ट खत्म होंगे तो बाकी कंट्रीज को लगेगा कि इंडिया ठीक से काम कर रहा हो तो फिर इससे वो चाइना की तरफ टिल्टेड नहीं होंगे और इंडिया को ना अपनी नेबरिंग कंट्रीज को थोड़ा लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा और जो लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा वो ऐसे सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि वो
सॉरी ताकि वो कंट्री चाइना की तरफ टिल्टेड ना हो और चाइना की तरफ वो अपना वो हेल्प का हाथ आगे ना बढ़ाए। सो चाइना और इससे जिससे वो चाइना के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगी और डोंट बिहेव लाइक अ बिग ब्रदर, जो चाइना जो इंडिया नेपाल या बांग्लादेश के साथ जो एक बिग ब्रदर की तरह अपना रोल प्ले करता है, तो थोड़ा बहुत वो भी इंडिया को थोड़ा सोच के चलना पड़ेगा और अपनी फॉरेन पॉलिसीज को थोड़ा डीपली एग्जामिन करना पड़ेगा। सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर आपने स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द स्टडी सेंटर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।